केले खुद पेट इनका दर्द कर रहा है और छिलके खुद मांग रहे हो, केले मुझे खाने के लिए कहते हैं। केले कहाँ है? नहीं करता है। आज हमारे घर पे नेताजी आने वाले, कोई का गलती नहीं करना चाहिए। जा जी रिकॉर्ड नहीं, स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आज हम आपको एक ऐसी महान हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो थोड़े ही पल में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। हमारे शास्त्रों का मानना है कि जहां पे भी ये महान हस्ती पहुंचते हैं तो जरूर कोई ना कोई हंगामा होता है। तो दिल थाम के बैठिए, हमारे नेताजी थोड़े ही पल में हमारे स्टूडियो में पहुँचने वाले हैं। जहाँ न पहुँचे रवि कभी वहाँ पहुँचे कल तक की न्यूज सभी। नमस्कार, जो अपने गाड़ी में आए हैं उनको भी नमस्कार, जो दूसरे के गाड़ी में घुस घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को नमस्कार एवं उनको बहनों को विशेष नमस्कार। मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ। जय महाराज असिस्टेंट। नेता मैं हूँ तू। सॉरी सर। जय महाराज सेक्रेटरी गार्डर है। गार्डर तो उधर पे और नेता जी, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है। नेता मैं हूं तो। सॉरी सर। आप चल चल तू कर ले बदतमीज तू। सॉरी सर। आप चले गए। आइए नेता जी, आपको हमारे तरफ से स्वागत हो। आइए सम्मान कीजिए। नेता जी ये स्टूडियो है, यहाँ चार पाई नहीं है, चेयर लगाई गई है। जय चेयर का हो गया। थोड़ी देर पाई ना जी। वो कहाँ रही? ये रही। बोलिए माइक। ओ इतनी छोटी चारपाई, जावे तुम्हारी बम भी ना आवे। आइए नेता जी बैठिए। कुछ नहीं नेता जी, खाट खिसक गई। तो अच्छा नेता जी, अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओए जा, ये क्या स्टार्ट करेंगे? कोई गाड़ी वाड़ी जो है स्टार्ट करेंगे? तो अच्छा नेता जी, ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। सर मेरे कहने का मतलब कि इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? अबे देखो इलाके तो कुत्ते का होता है, इज्जतदार लोग के घर में जन्म लिए थे। सर मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में हुआ था? अजीब आदमी, चार बच्चों को क्या मालूम किस घर में जन्म लगा, उस समय मेरी आंखें बंद थी। अच्छा नेता जी, अब थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें हो जाए। जय जनरल नॉलेज का हो गया। सामान ज्ञान जी। ओ सामान ज्ञान हमारी तो पूछो। तो अच्छा नेता जी, ये बताइए चांद पे पहला कदम किसने रखा था? ओ भाई चांद पे पहला कदम अम्मा स्ट्रांग ने रखा था। अम्मा स्ट्रांग नेता जी, अम्मा स्ट्रांग ने। नेता मैं हूं तू। सॉरी सर। अच्छा नेता जी, दूसरा सवाल ये बताइए चांद पे दूसरा कदम किसने रखा था? अजीब बेवकूफ है, एक टंग से लंगड़ी खेलने गया था, दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। अच्छा नेता जी, अब थोड़ी राजनीति की बातें हो जाए। करो भाई करो। तो अच्छा नेता जी, ये बताइए आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? जय अंग्रेजी में इतने देर से क्या पका रहा है, गवर्नमेंट कहाँ हो गया? सरकार नेता जी। ओ सरकार, हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? ना ना, जय राम भरोसे। लेकिन कैसे? अरे भाई सारा काम ये कर रहे हैं, अंगूठा सिर्फ हम लगावे हैं, ये अंदर की बात है भाई, सब जाने हैं। अच्छा नेता जी, ये बताइए आपको डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? जय डेमोक्रेसी का हो गया। लोकतंत्र जी। ओ प्रजातंत्र। तो हाँ भाई सुनो, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इसी को तो हम कहे हैं भाई डेमोक्रेसी। ओ अच्छा, क्राफी फॉर्मेशन सीएम। अच्छा नेता जी, ये बताइए आपने जनता के लिए क्या किया है? घोटाला कोई नहीं जी, कुछ ही बता दो। कम्बल बंटवाए थे जनता को? नहीं भाई, जानवरों को बंटवा दी गाय भैंसों को। अच्छा नेता जी, आपने मतदान जनता से लिया और कम्बल जनता दिए? अरे उन सर्दी में उन्हें बटवाते तो मर जाते, दूध तो उन्हीं का पीवे है। ये पिछले महीने आग लगी, उसमें आपकी क्या संभगत थी? हाँ भाई, ये गांव में पिछले महीने आग लगी थी, उसमें मैंने जो व्यक्ति घायल हुए थे उन्हें शमशान घाट पहुँचा कर आया, और जो व्यक्ति मर गए थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टर लगवाया, साइंटिस्ट लगवाया, जिंदा करने का प्रोसेस अभी भी जारी है। घायल व्यक्ति का मैंने 50 रुपये का मुआवजा दिलवाया, और जो व्यक्ति मर गए थे उन्हें सिर्फ 10 रुपये का,
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, धन्यवाद। अच्छा नेता जी, ये बताइए आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? भाई हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है। अच्छा नेता जी, ये बताइए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं, मतलब मेरी पार्टी की तरफ से यह संदेश है कि भारी बहुमत से हमें विजय बनाओ, भारी बहुमत से हमें विजय बनाओ, जो दारू से न मानो उन्हें कॉफी पिलाओ। तो अच्छा नेता जी, ये बताइए पिछले महीने इतनी महंगाई बढ़ी, इसका क्या कारण है? लेकिन क्यों? अरे अपना रामपति को फोन करना है। ये रामपति कौन है? अरे मेरी बात क्या तारी हो गया जी। अरे फ्लाई वाला है बढ़िया, अरे लो तुम भी देख लो। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो रामबती, देखो स्टूडियो वीडियो बहुत सारे कैमरे लगे हैं, किस पर मेरी पिक्चर आ रही है? अरे लो तेरा फोन। ओ मेरी वाइफ का नंबर है, सॉरी आठ कोई कथा है। कथा किसको बोला? कथा किसको बोला? प्रिय दर्शकों, हमारे इस इंटरव्यू को दिखाने का मतलब सिर्फ आपका मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि आपको मतदान के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आपका एक वोट आपके देश, राज्य, क्षेत्र आदि की तकदीर बदल सकता है। तो आप उसी को चुने जो पढ़े लिखे और अनुभवी हो, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है। थैंक यू।